मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक पार्टी नहीं, पार्टी के नाम पर एक गिरोह है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जैसे डाकुओं के गिरोह होते थे, वैसे ही हर गिरोह के अपने सरगना है, सरगनाओं के इशारों पर गिरोह काम करते हैं। वहीं कांग्रेस ने मंत्री भूपेंद्र सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर ने कहा, बीजेपी किसी को भी गिरोह बता सकती है, जहां पर पूरा गिरोह का झुंड है उसे गिरोह ही गिरोह दिखते हैं। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ा गिरोह कहीं और नहीं हो सकता। कांग्रेस गरीबों की पार्टी है, हर समाज की पार्टी है। देखिए, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, ना उसकी कोई विचारधारा है, ना उसका कोई संगठन है। कांग्रेस एक व्यक्तियों का गिरोह है, उस गिरोह के सरगना होते हैं, जैसे पहले बड़े बड़े लोगों के गिरोह हुआ करते थे, हमने डाकुओं के गिरोह सुने हैं, तो इसी तरह से कांग्रेस एक गिरोह है। हर गिरोह के अलग अलग सरगना है और वो अपने गिरोह के सरगना के आधार पर अपनी बात कहते हैं, और इसलिए कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। बीजेपी तो गिरोह किसी को भी बता सकती है, इसलिए कि जहां गिरोहों का पूरा झुंड हो तो वहां सब उन्हें गिरोही गिरोह दिखते हैं। तो कांग्रेस जो है हमेशा गरीब आदमी के साथ खड़ी हुई है, हर समाज के साथ खड़ी हुई है, सबको लेके चली है और अपनी सुरक्षा देश की और राष्ट्र के निर्माण के लिए हमेशा काम करती रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी को वो गिरोह लगती है तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी से एक बड़ा गिरोह दुनिया में कोई हो नहीं सकता। भोपाल से राजू प्रजापति की रिपोर्ट।